नमस्कार। विधानसभा सत्र के दौरान हाई स्कूल के दो विषयों के शिक्षक इतिहास और नागरिक शास्त्र के लगातार धरना दे रहे हैं। ये धरना कई दिनों से चलता आ रहा है, पिछले कई महीनों से, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि गैर अनुसूचित जिलों पर किसी तरह की रोक नहीं है, स्टे नहीं है, इनकी नौकरी दी जा सकती है। इसके बावजूद, अनुशंसा के बावजूद, रिजल्ट के परिणाम के बावजूद नियुक्ति रुकी हुई है और इस चीज़ को लेकर कई दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तब भी विधानसभा सत्र के सामने, विधानसभा के ठीक सामने जो मैदान आवंटित किया गया, वहाँ पर ही धरना दे रहे हैं। और आज माले से विधायक विनोद सिंह इनसे मिलने के लिए भी आए हैं। सबसे पहले विनोद सिंह से जानेंगे, उसके बाद बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कई महीने हो गए हैं इनके धरना देते हुए और कई बार कई लोगों से मिले हैं, मुख्यमंत्री तक की बात पहुंची है, ये पूरा नहीं हो सका है। जहां तक जानकारी है कि आज के विधानसभा सत्र में भी इनकी बातों को रखने का प्रावधान था, क्या कुछ हो पाया वहाँ? देखिए, ये सवाल पिछले साल से ही चल रहा है और पिछले सत्र में भी मैंने ये सवाल उठाया था और हमने कहा था कि सरकार अगर नियुक्तियों के प्रति जवाबदेह है, सरकार अगर कह रही है कि ये साल नियुक्ति का है, हम दरवाज़ा खोलेंगे, तो इसकी पहली शुरुआत ये होनी चाहिए थी कि जिन जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे। इतिहास, हाई स्कूल के इतिहास के छात्रों का ठीक ऐसा ही मामला है। पिछले दिनों मैंने सवाल उठाया था तो सरकार का जवाब था कि भाई, इस फैसले के खिलाफ जो है लोग उच्चतम न्यायालय गए हैं, इसलिए अभी इस पर नियुक्तियाँ नहीं हो चुकी है। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय से भी जो है इस पर आ गया स्पष्ट आदेश कि हमारी तरफ से हिस्ट्री के शिक्षकों पे कहीं से नियुक्ति पे कोई रोक नहीं है। आज मैंने पुनः सवाल किया, ये चौथे क्रम में था तारांकित प्रश्न में, तो सरकार ने लिखित जवाब में तो स्वीकार किया कि भाई इस पर कहीं से कोई रोक नहीं है। तब मैंने पूछा कि भाई तो फिर क्यों नहीं आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा एक ऐसे गोलमटोल समीक्षा है कि आप देना चाहें तो दें और न देना चाहें तो न, लेकिन आज उस पर शायद और सार्थक बात होती। लेकिन आप देखें कि जो पूरा प्रश्नकाल रहा वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। अगर ये बाधित नहीं होता तो सरकार कटघरे में खड़ी होती और अगर सरकार की मंशा सही नहीं है तो वह भी शायद उजागर होता। पुनः मैंने इस पे पहले दिन ही मैंने शुरुआत किया था क्योंकि पूरे राज्य के युवाओं के लिए सत्र इसलिए है कि जितनी नियुक्तियां हैं वो खाली हों, पंचायत सचिव हों, हिस्ट्री हाई स्कूल शिक्षक हों, उत्पाद सिपाही हों, वो सारे बाट जो रहे हैं कि भाई नियुक्तियां हों, क्योंकि राज्य में बेरोजगारी का दर जो है पूरे देश में तीसरे नंबर पर राज्य आ गया है। तो कार्यस्थगन में भी मैंने इस पे लाया तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, सेकेंड पाली पे होगी, इस पे चर्चा होगी। महंगाई पे होना था, रोजगार पर होना था, लेकिन आपने देखा कि आज जब चर्चा शुरू हुई तो किस कदर हंगामा हुआ। महंगाई रोजगार तो दोनों से जुड़े हुए मसले हैं और महंगाई क्यों बढ़ी नहीं बढ़ी तो महंगाई पे जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, वो चर्चा नहीं करना चाहती थी, वो चीज बाधित थी। लेकिन हम सरकार से, राज्य सरकार से यहाँ कहना चाहेंगे, राजा की, यदि आप ईमानदार हैं महंगाई के प्रति, आप मांग कह रहे हैं, आप चिंता बाजित कर रहे हैं, तो आप राज्य के नागरिकों को क्या राहत दे रहे हैं? आप जो नियुक्तियों के प्रति ईमानदार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आपको तो पहल करनी चाहिए थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि महंगाई पे चर्चा नहीं हो और ये चाह रहे थे कि राज्य में जो रोजगार की स्थिति है इस पर नहीं चर्चा हो। और इस हंगामा में दोनों की अपनी अपनी एक ही चली और ये कुल मिलाकर के एक ही सिक्के के दो पहलू साबित हुए। इसी हंगामे की भेंट ये रोजगार का मुद्दा भी चढ़ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है। और अब तो तकनीकी रूप से सरकार के पास जो एक बहाना भी बना रही थी वो कोई बहाना नहीं है। कल भी अगर अनुपूरक में बात रखने का मौका मिलेगा तो हम यही रखेंगे, बात भी किए हैं। अब तो इन्होंने कहा भी है कि प्रस्ताव बढ़ाया, कार्मिक प्रस्ताव अगर बढ़ा रहा है, समीक्षा कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसको पहल करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए जी, तब लोग मानेंगे कि वाकई नियुक्तियों के प्रति जो उन्होंने कहा है उसके प्रति जवाबदेह हैं, ईमानदार हैं। चलिए, विधानसभा सत्र में मुद्दा उठना था लेकिन हंगामे की भेंट यह मुद्दा चढ़ गया। विपक्ष नहीं चाहती है कि महंगाई पर चर्चा हो, सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि रोजगार के मसले पर चर्चा हो। यह बोर्ड देखिए, हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर 2016 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद से 5 साल बीत गए हैं लेकिन नियुक्ति के बिना ये लोग धरना देने को मजबूर हैं, स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कई दिन हो गए, तो 5 साल तो परीक्षा के हो गए हैं और ये आंदोलन करते हुए 4-5 महीने से अधिक हो गया मुझे लगता है। हम लोग सिर्फ यहाँ नियुक्ति की ही आस पे धरना पे बैठे हुए हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रोक नहीं है, हाई कोर्ट पहले ही बोल चुकी थी, लेकिन सरकार समीक्षा के नाम पे हम लोग को बहका रही है, रोक रही है। तो सरकार, पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, कब देगी हमारी नियुक्ति।
कहाँ से आई हैं आप? मैं गुड्डा जिले से आई हूँ। गुड्डा से आई? बहुत दूर से आना पड़ा। बहुत दूर से, घर परिवार बच्चों को छोड़ के आती हूँ। तो सिर्फ धरना के लिए आई हैं? धरना के लिए आई हूँ, क्योंकि हम लोग 2 साल से केवल धरना में ही अपना समय गुजार रहे हैं। इसका कोई भी हम लोग को रिजल्ट परिणाम नहीं मिल रहा है, और जबकि हम लोगों का सारा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से पूरा क्लियर है, फिर भी सरकार ये क्यों हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है, ये सोचने वाली विषय है और बहुत ही दुख भरा हम लोगों का कहानी है। तो अभी स्थितियां कैसी हैं? अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रही हैं, तो घर परिवार चल कैसे रहा, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत मुश्किल से चल रहा है। जो हम लोगों का एक सपना था, ख्वाब था, बच्चों को आगे अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजना, वो सब हम लोगों को पूरा नहीं हो रहा है। किसी तरह हम लोगों का खाना पीना बस मिल रहा है, लेकिन वो जो एक जो ड्रीम होता है वो हम लोगों के लिए अभी बहुत ही बाधा साबित हो रहा है। तो ये जो धरना आप लोग दे रहे हैं, क्या ये चलने वाला अभी 9 तक चलेगा विधानसभा सत्र? तो दवान 3 दिन बैठेंगे भी या फिर आज ही करके था? नहीं, कंटिन्यू हम लोगों ने घोषणा भी किया है कि हम लोग 4 दिन धरना पर बैठेंगे और हम लोग नियुक्ति की मांग करेंगे। यहाँ आप लोग विधानसभा से काफ़ी दूर हमको लगता है धरना स्थल है, तो क्या आवाज़ पहुँच पा रही है वहाँ तक? एक्चुअली हम लोगों ने ऑर्डर SDO साहब से ले लिया है, तो ये विधानसभा से यही फील्ड मिला है धरना करने के लिए, तो हम लोग यहीं से अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी आवाज़ों को आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और जब तक नियुक्ति नहीं होगी हम लोग तो 4 दिन बैठेंगे, इसके बाद भी हम लोग बैठने का काम करेंगे अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी तो। जब तक सत्र चल रहा है तब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? जी जरूर, हम लोग बैठे रहेंगे, जितने 10 जिला से आए हुए हैं सारे लोग, हम लोग दिन रात यहीं पे रहेंगे। कितनी संख्या? 26 लोग हैं ना? 626 लोग हैं और 90% इसमें बहाली हो गई है, केवल हम लोग इतिहास नागरी के 626 अनुशंसित अभ्यर्थी विधानसभा क्षेत्र से भी आए हुए हैं हम। अच्छा ठीक है, कहाँ से हैं? बरहेट से आए हैं। हाँ, हम गुड्डा जिला के हैं, सुंदर पहाड़ी प्रखंड से हैं। सुंदर पहाड़ी? हाँ, बरहेट विधानसभा क्षेत्र में है। दर्जनों बार आए हैं आंदोलन करने के लिए, चप्पल खिया गया, आज देखिए मेरा चप्पल टूट गया, बिना चप्पल के आए हैं, अब तरस आना चाहिए। चप्पल टूट गया? हाँ, चप्पल खियाते खियाते आज टूट गया, दर्जनों बार आ चुके हैं और मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि मूलवासी नहीं है, अब उनके विधानसभा क्षेत्र से हैं, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? और वो राजनीति के मुद्दे पर है, उनको बरगलाया जा रहा है, महाधिवक्ता के द्वारा बरगलाया जा रहा है, और वो कुछ नहीं है, लाल फिताशाही हो रहा है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री साहब जान रहे हैं कि 11 जिला का तो बाहर का होगा, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग लोकल हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के हैं और हमारे दुख दर्द को समझे, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत प्रताड़ित हैं और काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए और समीक्षा के नाम पर बरगलाया जा रहा है। ठीक है, 2016 में विज्ञापन निकला था, परीक्षा हुई, उसके बाद 5 साल बीत गए, जो बाकी विषय के शिक्षक थे सभी की नियुक्ति हो गई, वो सैलरी भी उठा रहे हैं, लेकिन 626 लोग जो इतिहास और नागरिक शास्त्र का एक विषय है उसके अभ्यर्थी जो हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। न्यूज़ नीति में मामला फंसा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 गैर अनुसूचित जिलों पर किसी तरह का स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कॉपी को लेकर धरना पर बैठे हैं, तमाम मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, प्रदर्शन हुआ, हमने भी खबरें दिखाई। अब उम्मीद थी कि विधानसभा सत्र में यह मामला उठेगा जिसके बाद शायद कोई रास्ता निकल सके, लेकिन जितना यहाँ पर पक्ष जिम्मेदार है उतना विपक्ष भी जिम्मेदार है कि रोजगार के मसले पर चर्चा नहीं हो सकी। उनके अपने मुद्दे थे, इनके अपने, किसी के लिए महंगाई, किसी के लिए रोजगार, लेकिन हुआ यही कि इनके मुद्दे को लेकर चर्चा होनी थी, हो नहीं पाई। 3 दिन अभी और सत्र चलना है, क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बहरहाल इनका धरना अभी तक चलता रहेगा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी संजय रंजन के साथ विवेक, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है, हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in